तो नमस्ते भारत, मैं मेहुल भारत यात्री आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर हर भारतीय, हर हिंदू आना चाहेगा। और ये रहा मथुरा का रेलवे स्टेशन। दोस्तों आज हम हैं मथुरा में और ये हमारी साइकिल है और इस साइकिल से हम पूरी की पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे एक भाई है, उन्होंने हम बहुत ही महत्वपूर्ण और सूचीबद्ध और एकदम क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी। तो भी कम से कम हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको वीडियो के साथ साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ वो भी बताने वाले। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है भैया जी। और जैसा कि भैया मुझे मिले हैं यहाँ पे मथुरा में जन्म स्थान के पास में, मैं उस भैया से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, तो आप यात्रा कर रहे हो। मतलब यहाँ पे जन्म स्थान है और जन्म स्थान में भगवान का जन्म हुआ था आज से 5700 साल पहले एकादशी वाले दिन। उसके बाद में भगवान वासुदेव जी जो भगवान के पिता थे, भगवान को गोकुल लेके गए यमुना जी के रास्ते। यहाँ पे भगवान का लालन पालन हुआ था, भगवान 11 साल 52 दिन गोकुल में लालन पालन। उसके बाद में भगवान ने रमन देश में मिट्टी खाया, पूतना का वध किया था। आगे आप जाओगे तो ब्रह्मांड घाट मिलेगा गोकुल से आगे, वहाँ पर भगवान ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड घाट पे तीनों ब्रह्मांड का दर्शन, तीनों लोक का दर्शन कराया था। आप इधर जाओगे गोवर्धन के लिए, वहाँ पे 7 कोस का परिक्रमा होता है जो कि गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा है। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा क्यों लगाया जाता है? एक बार ब्रज पे भगवान इंद्र थे, जो कि भगवान इंद्र थे, भगवान प्रलय लेके आए थे हमारे यहाँ पे ब्रज पे। तो जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे गए थे गोवर्धन में, और गोवर्धन में जाके भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और बोला था कि सारे ब्रजवासी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएं, सभी सुरक्षित रहेंगे। फिर जभी से उसका नाम रखा गया गिरिराज महाराज, गोवर्धन पर्वत का नाम है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज का हमारे यहाँ 7 कोस का परिक्रमा होता है। 7 कोस का मतलब है 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 21 किलोमीटर का परिक्रमा है। थोड़ा आगे आप जाओगे तो बरसाना है जहाँ राधा जी का मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। उससे थोड़ा आगे आप जाओगे तो नंदगांव है, जहाँ नंदगांव पुराना गांव है, नंद बाबा का गांव जिसे कहते हैं। और आप गोकुल से आगे जाओगे तो वहाँ आपको दाऊजी मिलेगा, दाऊजी में बल्लाऊ जी का गांव। और बस यही अपने यहाँ का लीला है। और आइए सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ये भैया हैं हमारे मेहुल भैया, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में आजकल कोई ध्यान नहीं देता है, ये अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सभी से बोलना चाहता हूँ ऐसा राधे राधे बोलिए, बंसी वाले की जय बोलिए, राधे राधे। और अगर आप आज यहाँ पे आए और भाई से संपर्क करना चाहें, भाई आपको पूरी पूरी मथुरा की यात्रा करवाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छा नेचर है, हमको मन के बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको अगर मथुरा आना हो, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो, व्यवस्था करवानी हो, दर्शन करना हो, तो भाई से संपर्क करें। मैं नंबर और उसके साथ साथ में जो भाई की महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप नंबर से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि हमको कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिक्रमा करना चाहिए। A to Z बहुत ही अच्छे से आपकी मदद करेंगे और आपकी यात्रा भी अच्छे से होगी और आपको आत्मी शांति जो आप महसूस करना चाहते हो मिलेगी। तो राधे राधे, जय बंसी वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, राधे 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 राधे।